आपने दरंग से एक रेस्क्यू किया था ना बुल, जिसके पीनस में प्रॉब्लम थी, जिसको कटा हुआ था, जगह जगह से यूरिनेट कर रहा था। ये वही है ना जिसको जब छोड़ने गए थे तो वो लोग लड़ने लगे। ये वही है, उसको ना किसी ने आई थिंक ट्रक ने या फिर बस ने हिट करा होगा, उसके बाद फॉल डाउन हो गया था अपना नीचे रिवर में, नाले जैसे में। तो उसको अभी हमने क्रेन से पिक करके ऊपर तो ले आया, आई डोंट नो उसके फ्रैक्चर है कि क्या है। ठीक है, अभी 5 दिन तक तो इसकी हमने जितनी केयर कर सकते थे कर ली, तो फिर हम यहाँ पे लेके आए। अब आप बताइए अभी क्या कर सकते हैं, क्या नहीं है। क्रेन से हम कल शाम में ट्राई कर रहे थे कि उठ जाएगी, किसी हाल नहीं उठा। हमारे काम में यही सबसे खराब है कि ठीक कर करके छोड़ो उसको, एक दिन में दो दिन में छोड़ लगता है। एग्जैक्टली होते ही है, बिल्कुल खड़ा नहीं हो रहा है। नहीं, बैक साइड से तो हो रही है, ट्राई कर रहे हैं, आगे से ट्राई कर रहे हैं, फिर बैक से तो खड़ा हो ही नहीं पा। अभी 3-4 दिन से बैठा भी था ना, हमने सोचा खुद उठ भी गया नहीं, बट ये उठा नहीं। थानोस हमने वो वीडियोस देखी थी जिसमें पिक करा, पिक करने वाली भी देखी। जब छोड़ने के बारे में प्रॉब्लम आई तो वी फील लाइक वेरी शेम, बड़ा ज्यादा किया था। एग्जैक्टली, हमें खुद फील हुआ बिकॉज़ हम उस एरिया से थे भी नहीं, फिर हमें ऐसा था कि लाइक ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना। और ऑब्वियसली लोकेलिटी होती तो फेल्ट हो ही जाता, उतना कोई लड़का था भी नहीं उस टाइम पे, अगर होता तो लाइक टाइम पे हमें हेल्प करते। देखी जब गुस्सा आ रहा था हमें भी, दिनेश वाले एरिया में तो बुरा हाल है, इसलिए ने जैसा जब उठाया था ना हमने, फिर से कुछ हो गया वहां। 5 दिन से बैठा हूँ ना एक्चुअली, तो पता नहीं कैसे एरिया में काफी दिक्कत है इसको। इसका पीनस का क्या है कि वो शीट एक्स्ट्रा है, ब्लड देखा था हमने वहाँ पे, वो तो जब गिरा है। एग्जैक्टली, एक तो इसको हिट करा है, तीसरी प्रॉब्लम भी है ना कि 5 दिन से बैठा है, क्योंकि जितना ये बैठे रहते हैं उनका सर्कुलेशन कट जाती है, उतने इनके खड़े होने के चांस कम होते रहते हैं। स्वेलिंग है, स्पाइनल कंप्रेशन भी है, प्लस ये टांग तो पूरी स्टिफ है, एकदम स्टिफ, बिल्कुल फ्लेक्स नहीं हो रही है। स्पाइन में इंजरी है इसकी ना, तो इसको रखेंगे तो पेन मैनेजमेंट ही कर सकते हैं अभी, तो उसके अलावा तो नहीं हो पाएगा कुछ भी, क्योंकि स्पाइन ये स्पाइन में अगर लगी हो तो इतने बड़े जानवरों को रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इतनी ऊपर से नीचे भी गिरा ही है तो ऑब्वियसली डैमेज ज़्यादा ही हुआ है। हम जितना कर सकते थे किया, पिछले 5 दिन से हम लोग ला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और घास वगैरह हम डाल देते थे, पानी पिला देते थे ना, जितने हम भी सारे बनी हुई है दिखा सकते थे, दिखा दिया। सीनियर डॉक्टर है वहाँ पे शाहपुर पॉलीक्लिनिक में, वहाँ पे एक बार कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि यूटिलाइज करना इतना आसान नहीं है ना, प्रोसीजर बहुत लीगल प्रोसीजर, परमिशन लेनी पड़ती है ना, परमिशन लेनी पड़ती है, तो आप एक बार वहाँ कंसल्ट कर लीजिए, वो जैसा गाइड करते हैं फिर उस हिसाब से आगे प्रोसीड कर लेंगे। रखने का तो ये है कि इसको हम पेन किलर देते भी रहेंगे अगर, तो एक तो दिन में आप कितने पेन किलर दे दोगे, रात को तो फिर ये मतलब हमारा 6 बजे क्लिनिक बंद हो गया, सुबह जाके 9 बजे खुलता है, उतने घंटे दर्द में है ये। दूसरी बात, ये इतना भारी है, इसको लागे लग जाएंगे नीचे, लग जाएगा ना, वो यूरिनेट करेगा, उसकी सारी स्किन सड़ जाएगी। तो डॉक्टर अरविंद वहाँ ले जाएं, फिर वहाँ भी अगर उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया कुछ ऐसा, उन्होंने नहीं बताया, फिर कहाँ लेके जाएंगे हम इसको। वहाँ नहीं होता तो फिर यह कि भाई हमारी सेंचुरी है डिसेबल्ड एनिमल्स की, वहाँ इसको रख तो हम लेंगे, क्योंकि अंदर तो क्लिनिक में तो जगह ही नहीं है इसकी, ठीक है, वहाँ रख तो लेंगे, पर इसकी हालत वहाँ पे ठीक नहीं रहेगी, ऑब्वियसली वहाँ ठीक नहीं रहेगी, ये तो मैं आपको गारंटी दे सकता। मतलब वो तो ये है कि सड़क पे पड़ा होने से अच्छा है कि वहाँ साइड में पड़ा हो। आप चलोगे? आपके कोई मेंबर है? डॉक्टर अरविंद ने भी वही कहा जो डॉक्टर हिमांशु ने कहा था कि कुछ नहीं हो सकता इसका, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हम इसके लिए। अभी हम एसडीएम ऑफिस जा रहे हैं कि अगर हमें परमिशन मिल जाए कि इसको, जैसा कि उन लोगों ने कहा कि भी मुक्ति दे दो, उसकी परमिशन लेने जा रहे हैं। देख, किसी की जान बचाने के लिए तो फिर भी कुछ लोग एफर्ट डाल लेते हैं, पर किसी को दर्द से मुक्ति देने के लिए, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो करना जरूरी है, लोग वो करने में झिझक जाते हैं। पर ये लोग, चाहे मुझे फार्म लौटना पड़ा, एसडीएम ऑफिस में उस परमिशन के लिए बने रहे। उन्होंने बोला कि आपको पालमपुर जाना पड़ेगा, पालमपुर वाले एसडीएम से परमिशन लेके फिर आपको करना पड़ेगा। बट हम ऐसे थे कि लाइक पालमपुर नहीं ले जाएंगे, अभी पालमपुर लेके जाएंगे फिर एसडीएम से परमिशन लेंगे। ऑब्वियसली इनके अगर वो बोली तो दिखाओ हमें जानवर, फिर अगर हम उनको पहले हम ऐसे विदाउट परमिशन तो चैलेंज है। पालमपुर एसडीएम ऑफिस ने कंफर्म कर दिया भाई, जहाँ पे जानवर के लिए अब आप कुछ और नहीं कर सकते, और वेटनरी ऑफिसर ये बात कंफर्म करके आपको परमिशन दे देते हैं तो ऐसे जानवर को मुक्ति दी जा सकती है, और अंततः थानोस को मुक्ति मिली। अड्डे में गिर गया ना वो पीछे, वो छोटा सा मैन होल जैसा है थोड़ा सा, किसी ने अपने गिनके बनाया अंडरग्राउंड ना, तो उसमें वो छोटे से खड्डे में गिर गया, वो 10-12 फुट तो खड्डा है। पहले हमने कोशिश की थी पर इतना छोटा खड्डा है वो निकल नहीं पाएगा उससे। अभी गिर ना जाए, ये दूसरा है। हां, ये गया।
उसको निकाल तो रहे क्या हुआ? ये बड़ी देर की बैठी हुई है इसको निकालने के चक्कर में। नीचे तो नहीं गया? एक नीचे है ना, वही तो दिक्कत है। टैंक के अंदर ही घुस गया? नहीं, एक पप्पी गिरा ना, एक तो एक बाहर ही है। इसकी बड़ी देर से वेटिंग है, ये निकाल रहे हैं। निकालो, बोलिए निकालो, ये तो बोलता भी है निकालो निकालो। चले हण चले सर, मैं ये पत्थर मार के वाली बोलेगा थोड़ा सा लगा ना खार लगना बंद है। कुछ लाए लाए आप? वो टूट गया, नेट लाए हैं, नेट जाएगा नहीं अंदर। अगर वो सिलाई है तो उसके लिए प्याज का थोड़ा होता ना जाली वाला, उसमें बिस्कुट गिराने थे, उसके ऊपर जब आना था ना, ऊपर से एकदम से कस देने थे। एक पत्थर निकाल लेते, एक निकल गया ना फिर तो बंदा फिर कोई टेढ़ा होकर चल जाएगा। हाँ, फिर दिक्कत नहीं आएगी, घूमना तो पड़ेगा ना, ऐसे दिक्कत होगी। ये ऊपर तक सारी पब्लिक ये लो, आ गया आ गया, शेर आ गया। चलो 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 चलो, ये ले थला मशीन सुटिया फसा बंदा ये जो हमारे पास नया बुल आया जिसका नाम भुलक्कड़ है, एक्सीडेंट की वजह से हाइंड लेग इसकी कट हो गई है। जब हमने इसका ब्लड एग्जामिनेशन किया तो हमें पता चला कि इसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, जिसकी वजह से ये अपना थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा है। इसका टेम्परेचर लो है काफ़ी ज़्यादा ना, इसलिए अंदर शिफ्ट किया, क्योंकि मौसम ख़राब है और धूप भी नहीं है बाहर। इसको अभी अंदर शिफ्ट किया पराल के ऊपर ताकि गर्म रहे। ओके, तीन बड़ा कमरे जरूरत है, रेडिएटर, 5-6 गर्म पानी बोतल है, क्योंकि 92 बहुत बहुत क्रिटिकल है। इसके ऊपर हमने काफ़ी कंबल रख दिए हैं ताकि ये गर्म रहे, रेडिएटर लगा दिया, फिर हमने एक और ब्लोअर लगा दिया और खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। शर्माती है, आती नहीं, हाथ में नहीं आती है, भाग जाती है। एक बार जब छूट गई तो फिर नहीं आई हाथ में। यही है बस, बारिश जैसी है, इसके सारे निकल गए हैं बाल वगैरह। सर्दियों का टाइम आ रहा है तो सर्वाइवल तो मुश्किल हो जाएगा आगे। अभी भी कांप रही थी ये। इसके जो बच्चे थे वो मतलब सभी मर गए हैं, इसी मुझे तो यही कारण लगता है कि खारिश की वजह जो भी है ऐसे आ रहा है, तो मेरे को लगता है कि ये भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी सर्दियों में, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। ये डॉग टांडा से आया हुआ है। जब हमने इसको देखा तो इसकी स्किन कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो स्किन कंडीशन को एग्जामिन करने के बाद हमें पता चला कि इसको डेमोडेक्स है। अभी फ़िलहाल के लिए हमने इसके सारे जो ब्लड टेस्ट वगैरह है वो हमने स्टार्ट कर दिए हैं। ये ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि जो डेमोडेक्स की जो मेडिसिन या जो इंजेक्शन होते हैं वो कई बॉडी पार्ट्स के लिए हार्मफुल होते हैं, तो CBC या LFT KFT करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि इंटरनली कोई बीमारी तो नहीं है या कोई ऐसा ऑर्गन या किसी भी तरीके की कोई तकलीफ़ तो नहीं है।
सो दैट कि हम इसके स्किन की ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर पाएँ और इवेल्युएट कर पाएँ कि हाँ ये रफली इतने टाइम में ठीक हो सकता है। भाई जानवर चाहे बोल ना सके पर ठंड तो इन्हें भी लगती है, आप देख ही रहे हैं जो मेरे आसपास जितने भी खुले जानवर हैं धूप के स्पॉट में एकत्रित हुए हैं। अब हम इनके लिए धूप तो नहीं ला सकते पर हाँ हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि भाई अपने घर के बाहर एक बोरी रख दी, एक पायदान रख दिया, अगर हम ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं तो एक छोटा शेल्टर बना दिया जहाँ पर कोई जानवर आके रात को ठंड से बच सकता है। एक चीज़ और है कि भाई जो छोटे जानवर होते हैं जैसे बिल्लियाँ, तो गाड़ी का जो बोनट है गर्म होता है तो उसमें आके छुप जाती हैं, तो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एक बार बोनट को ठक ठक कर लीजिए ताकि कोई बिल्ली छुपी है तो वो भाग जाए। मैरी जेन जब हमारे यहाँ सबसे पहले आई तो एक अबैंडन पपी थी, किसी ने इसको इसकी माँ से अलग कर दिया था। तो उस समय हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति वॉलंटियर कर रहे थे, उन्होंने गांव में ही घर ले रखा था, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको फॉस्टर कर लेता हूँ। फॉस्टर करते हुए उन्हें इससे प्यार हो गया, उन्होंने कहा मैं इसको अडॉप्ट कर लेता हूँ। हम लोग काफ़ी खुश हो गए। अब एक बार वो अपने गाँव घर गए तो हमें एक गाँव में अपने गाँव में घूमती हुई बरामद हुई, हमें बड़ा बुरा लगा, हम इसको ले तो आए। फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने काफ़ी माफ़ी वगैरह मांगी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मेरे घर वाले मान नहीं रहे थे, अब की बार आप मुझे एक और मौका दो, जब मैं घर जाऊंगा तो मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा। घर तो वो क्या लेके जाते, जब वो 4-5 दिन घूमने गए तो इसको कमरे में बंद करके गए, हमें 5 दिन बाद पता लगा तो इसको हम यहाँ पे ले आए। लेकिन एक तो इसकी थोड़ी कंडीशन ख़राब हो गई और साथ ही साथ कुछ और समस्याएं भी गांव में खड़ी हो गई। इस बार जब वो आई है तो उसकी स्किन कंडीशन बढ़ गई है। एक और इशू था वो है वॉट्स का, ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है कि उसकी वजह से स्किन या हेयर लॉस हो रहा है। बट अभी मेरी जेन ठीक है, ट्रीटमेंट चल रही है, अभी हमारे साथ है। तो हुआ ये कि प्यार प्यार में उन्होंने मेरी जेन के अलावा 4-5-6 कुत्ते और इकट्ठे कर लिए। अब ध्यान उनका रखते नहीं थे तो कुत्तों की भी हालत खराब, साफ सफाई थी नहीं, शोर इतना मच रहा था कि पड़ोसी भी परेशान हो गए। और जब लोग परेशान होते हैं ना तो वो सारे डॉग लवर्स को एक गैर जिम्मेदाराना कैटेगरी में डाल के विलेनाइज कर देते हैं। तो भाई मैं यही कहूँगा आप उस चीज़ की जिम्मेदारी लो जो आप कर सकते हो और उतना करो जितना आप अच्छे से कर सकते हैं। वो खाद भर रहे जी, ये टोपू है जी और घोड़े वगैरह है उनका है, खेतों के लिए ही, खेतों में डालेंगे ना खाद को, फिर जोई वगैरह बीज देंगे। फिर तो चाहे अपनी गाय के लिए घास उगा रहे हों या अपने लिए सब्जियां उगा रहे हों, देसी खाद यानी कि गोबर का इस्तेमाल करते हैं, पर फिर भी हमारी बहुत सी सब्जी, बहुत सा अनाज, तेल के लिए सरसों अलसी का बीज बाहर से आता है जिसमें जहर होता है और हम वो खाने के लिए मजबूर हैं। पर जो इससे बड़ी समस्या है वो है वो प्रोडक्ट्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं, क्योंकि है क्या कि भाई लोग जो जानवरों को घास खिला रहे हैं, अनाज खिला रहे हैं, उसमें यूरिया 12-32-16 घास वाला स्प्रे सारा जहर होता है और ये सारा जहर एनिमल की बॉडी में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और फिर दूध और मांस में भी वो आता है। तो जितना जहर मुझे 100 किलो अनाज या सब्जी से मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा जहर आपको 10 किलो एनिमल प्रोडक्ट में मिल जाएगा।